नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं पूजा लूथरा और दिल से स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे चैनल पर। वेल, आज का वीडियो मैं डेडिकेट कर रही हूं संजना को। संजना मेरी एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने मुझसे कमेंट में पूछा है कि पूजा, मेरी मॉम की एज है 51 और उनके जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो गया है, खास करके घुटनों में और लोअर बैक में, और एलोपैथी ट्रीटमेंट वो नहीं लेना चाहती हैं। तो क्या करना चाहिए, नेचुरोपैथी में इसका क्या इलाज है, किस तरीके से हम नेचुरोपैथी और नेचुरल हीलिंग थेरेपीज के द्वारा हम जॉइंट पेन को दूर कर सकते हैं, यही आज मेरे वीडियो का टॉपिक है। तो अगर आपको भी या आपके घर के किसी मेंबर को ये प्रॉब्लम है, चाहे वो कंधे का दर्द हो, कमर का दर्द हो, कोहनी का दर्द हो, घुटनों का दर्द हो या एड़ी का दर्द हो, तो आज के वीडियो में जो भी मेथड्स मैं आपको बता रही हूँ उनको फॉलो करना शुरू कर दीजिए। रिजल्ट आपको फर्स्ट डे से ही दिखने लगेगा एंड 15-20 दिन में आप देखोगे कि आपको 60-70% रिलीफ मिल गया है आपके जॉइंट पेन से और जॉइंट स्टिफनेस से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वेल, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको जॉइंट पेन या सूजन को दूर करने के लिए डाइट में क्या लेना है, बिकॉज हमारी डाइट बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है जब हमारे जोड़ों की हेल्थ की बात आती है। और साथ ही साथ आपको अपने जॉइंट्स पर क्या अप्लाई करना है जिससे उनकी मोबिलिटी बनी रहे, पेन ना हो आपको, सूजन दूर हो जाए, और एक योग मुद्रा बताऊंगी जो कि बहुत बहुत बेनिफिशियल है आपके जॉइंट पेन को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, गौर से देखिएगा, और जो भी चीजें मैं बता रही हूँ उन सबको फॉलो कीजिए, रिजल्ट्स तो आने ही हैं। तो पॉइंट नंबर वन, फर्स्ट थिंग जो आप अपनी डाइट में शामिल करेंगे वो है ये एलोवेरा लीफ। जी हाँ, इस एलोवेरा लीफ की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ये आपकी स्किन को तो ब्यूटीफुल बनाती ही है, बालों को तो ब्यूटीफुल बनाती ही है, गट हेल्थ तो सुधारती ही है, जॉइंट्स की हेल्थ को सुधारने के लिए एलोवेरा बहुत बहुत अच्छा है। एलोवेरा आपके गट के पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है जिससे एसिड अल्कलाइन बैलेंस बना रहता है, आपके खून में एसिड लेवल कम हो जाता है जिससे कि आपके जॉइंट पेन जो है वो रिड्यूस होते हैं। वात रोग की वजह से अगर आपको पेन हो रहा है, सूजन हो रही है, तो उसको दूर करता है और नेचुरल कार्टिलेज फॉर्मेशन में हेल्प करता है ये एलोवेरा। अगर जोड़ों से कट कट की आवाज आ रही है तो भी ये एलोवेरा बहुत अच्छा है। कैसे यूज करेंगे इसको अपनी डाइट में, आप इसको साइड से इस तरीके से काट लीजिए, इसकी कांटे निकाल लीजिए और इस तरीके से आप इसका जेल निकाल लेंगे, पत्ती से स्क्रेप आउट कर लेंगे सारा जेल, मिक्सी में घुमा लेंगे और ये एक लीफ से तकरीबन 3 से 4 चम्मच जेल आपको मिल जाएगा। इस एलोवेरा जेल या पल्प को आपने रोज लेना है 1 चम्मच की मात्रा में, बाकी का जो बच जाए उसे फ्रिज में संभाल करके रखिए, रोजाना आप उसे 1 चम्मच की मात्रा में ले सकते हैं। 3 से 4 दिन आप इसे यूज कर सकते हैं, उसके बाद नई फ्रेश लीफ ले लीजिए। और कंज्यूम कैसे करना है, 1 चम्मच एलोवेरा पल्प गर्म पानी में मिला के सुबह खाली पेट पी सकते हैं या फिर शाम को जब आपका पेट खाली हो, 3-4 घंटे हो गए हो खाना खाए, तब ले सकते हैं। बहुत अच्छा है ये आपकी जॉइंट्स की हेल्थ को सुधारने के लिए। चलिए बढ़ते हैं मेरी सेकंड रेमेडी की तरफ और वो है एक ऐसी चाय जो दिन में आप कम से कम एक बार लें, ज्यादा से ज्यादा 2 बार लें, और ये आपके जॉइंट्स की सूजन को, इन्फ्लेमेशन को, और अगर आपको चला नहीं जाता है, पेन हो जाता है बहुत ज्यादा, थोड़ा सा खड़े रहते हैं तो कमर दर्द करने लगती है, ये सारी प्रॉब्लम्स दूर करेगी, स्लिपनेस की प्रॉब्लम को दूर करेगी। अर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए चाय बहुत अच्छी है। कैसे बनानी है जल्दी से देख लीजिए। इसके लिए आपको चाहिए 1 ग्लास पानी, इसे आप पैन में डाल दीजिए। इसमें फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो आप ऐड करेंगे वो है 1 इंच अदरक का टुकड़ा। अदरक के टुकड़े को कूट लेना है आपने और इसमें डाल देना है। अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, साथ ही ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करती है अदरक, जिससे कि आपका दर्द जो है वो दूर होता है, सूजन दूर होती है। सेकेंड थिंग जो आप इसमें ऐड करेंगे वो है हल्दी। हल्दी पुराने जमाने से ही, दादी नानी के जमाने से ही नेचुरल पेन रिलीवर का काम करती है और हल्दी में एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज भी होती है। जोड़ों के लिए हल्दी को बहुत अच्छा माना गया है और हल्दी आपके फेस पर भी नेचुरल ग्लो लेकर के आती है। तो ये मैं हल्दी की गांठ डाल रही हूँ तकरीबन 1/2-1/4 इंच की। अगर घर का पिसा हुआ हल्दी पाउडर हो तो भी यूज करें, नहीं तो आप ये गांठ डालें। और अभी ताजी हल्दी भी आ रही है, विंटर्स में आती है, आप चाहें तो उसका भी टुकड़ा डाल सकते हैं इसकी जगह पर। थर्ड इंग्रेडिएंट जो आप इसमें ऐड करेंगे वो है तुलसी लीव्स।
लीव्स में भी एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, साथ ही साथ ये वात रोग को दूर करने के लिए बहुत अच्छी होती है, आपकी स्किन से सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है, अर्थराइटिस के लिए बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ 8 से 10 लीव्स मैं तुलसी की ऐड कर रही हूँ। इन तीनों चीज़ों को आप ढक कर, याद रखिएगा, ढक कर बॉयल करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। उसके बाद आप इसे छान लेंगे और इस ड्रिंक को आप पियेंगे। आप इसे किसी भी टाइम कंज्यूम कर सकते हैं, बस याद रखिएगा खाना खाने और इस ड्रिंक के बीच में आधे घंटे का गैप होना चाहिए। दैट्स इट। थर्ड थिंग जो आप अपनी डाइट में शामिल करेंगे वो है सुपर फूड सीड्स। जी हाँ, सीड्स ना हमारे जॉइंट्स को ल्यूब्रिकेशन देते हैं, उनमें नेचुरल ऑयल्स होते हैं जो ल्यूब्रिकेशन देते हैं अंदर से जोड़ों को, जिससे कि वो रगड़ नहीं खाते हैं और आपके जॉइंट्स में पेन नहीं होता है, सूजन नहीं होती है। तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगी कि आप फ्लैक्स सीड्स, तिल और पम्पकिन सीड्स, इन तीनों को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। मेरे घर में ये सीड मिक्सचर हमेशा रहता है, मैं थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ इन तीनों सीड्स को और थोड़ा सा नमक लगा करके एक डिब्बे में भर करके रख देती हूँ, और 1 चम्मच की मात्रा में हम सब लोग घर में जितने भी मेंबर्स हैं डेली इस सीड मिक्सचर को कंज्यूम करते हैं। ये आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, आपके हार्ट हेल्थ के लिए, आपकी जॉइंट हेल्थ के लिए, हड्डियों की हेल्थ के लिए बहुत बहुत अच्छे हैं। एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं इन सीड्स में, तो आप भी जरूर कंज्यूम करना शुरू कर दीजिए। जॉइंट्स का इंटरनल ट्रीटमेंट तो हो गया, लेकिन आउटसाइड ट्रीटमेंट भी बहुत बहुत जरूरी है। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप सुनोवा का जॉइंट केयर ऑयल यूज कीजिए। इसमें स्ट्रॉन्ग एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, ये आपके दर्द को फौरन से खींच लेता है, मतलब आपको ब्रूफन, कॉम्बी फ्लेम या जीरोडोल खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस ऑयल को अपने जॉइंट्स पर अप्लाई कीजिए, मसाज कीजिए, एंड विद इन फ्यू मिनट्स आप देखेंगे कि आपका दर्द छू मंतर हो गया है। साथ ही साथ ये ऑयल एक पावरफुल मसल रिलैक्सेंट भी है। सर्दियों में कई बार हमारी मसल्स बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाती हैं, कई लोग सुबह उठते हैं तो बेड से उनसे पैर नीचे भी नहीं रखा जाता, इतना ज्यादा पेन होता है। तो ये ऑयल आपकी मसल्स को रिलैक्स करता है, जिससे कि पेन आपको नहीं होता है। साथ ही साथ ये ऑयल जिस भी जॉइंट पर अप्लाई करते हैं आप, चाहे वो कंधा हो, कमर हो, घुटना हो, एड़ी हो या कोहनी हो, आपके उस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन को तुरंत इम्प्रूव कर देता है, और ब्लड सर्कुलेशन जहाँ हो जाता है ना, वहां दर्द टिकता ही नहीं है। इवन बच्चों को भी अगर कभी कोई गुम चोट लग जाए, खेलते खेलते कई बार होता है ना बच्चों को चोट लग जाती है, तो ये ऑयल इतना सेफ है कि आप इसे बच्चों को भी लगा सकते हो और बड़े तो लगा ही सकते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। इसमें है गंधपुरा ऑयल। गंधपुरा ऑयल एक दर्द निवारक ऑयल है और आयुर्वेदा में इसे रामबाण माना गया है जॉइंट पेन को दूर करने के लिए। साथ ही साथ इसमें है सलाई गुगल। गुगल जोड़ों की सूजन को दूर करता है, जोड़ों में सूजन है या फिर वात रोग है उसके लिए आयुर्वेदा में सलाय गुगल को बहुत अच्छा माना गया है, और ऑलमोस्ट जोड़ों की जितनी भी दवाइयां बनती हैं सब में सलाय गुगल यूज होता है। देन इसमें है क्लोव ऑयल, यानी कि लौंग का तेल। लौंग का तेल सबको पता है दर्द निवारक प्रॉपर्टीज से भरा हुआ है, और इसमें है हरिद्रा ऑयल यानी कि हल्दी का ऑयल, जो कि नेचुरल एंटीबायोटिक, एंटी स्पाज्मोटिक और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज से भरा हुआ है, और बेस के लिए इसमें यूज किया है तिल का तेल। तो सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत बहुत अच्छे हैं आपके जॉइंट हेल्थ को सुधारने के लिए। तो मैं ये रिकमेंड करूंगी कि आप भी इस ऑयल से मसाज करें एंड बहुत बहुत अच्छे नतीजे आपको मिलेंगे। दिन में 1 से 2 बार आप अपने जॉइंट्स पर इस ऑयल से मसाज कीजिए। साथ ही साथ अगर आपके जोड़ों से कट कट या टक टक की आवाज आती है तो आप सुनोवा जॉइंट केयर कैप्सूल्स को भी यूज कर सकते हैं। इसमें है हड्ड जोड़, और साथ ही साथ ये कार्टिलेज फॉर्मेशन के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आपकी हड्डी टूटी हुई है या फिर जॉइंट्स की कोई तकलीफ है, या फिर डॉक्टर ने कहा है कि आपके जोड़ों में कार्टिलेज जो है वो खत्म होता जा रहा है, तो आप ये सुनोवा के जॉइंट केयर कैप्सूल्स लीजिए। इनसे नेचुरल वे में कार्टिलेज बनना शुरू हो जाएगा और आपको हड्डियों से कट कट या टक टक की आवाज आनी बंद हो जाएगी, और हड्डियां रगड़ नहीं खाएंगी, आपकी मोबिलिटी बढ़ जाएगी और पेन सूजन में भी आराम मिलेगा। तो सुनोवा जॉइंट केयर ऑयल और सुनोवा जॉइंट केयर कैप्सूल्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जरूर दे दूंगी। ये आपको मिल जाएंगे अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पर, 1MG पर, सुनोवा की अपनी वेबसाइट पर। तो इन्हें अपने और अपने प्रियजनों के लिए आप खरीद सकते हैं, और जॉइंट पेन से, मसल स्टिफनेस से,
छुटकारा पा सकते हैं जॉइंट। देखो अभी तक हमने बात की कि क्या खाना है क्या लगाना है, एक और चीज पर मैं बात करना चाहूंगी कि क्या नहीं खाना है, बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें खाने से आपके जॉइंट की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। वो क्या है? वो है वो सभी चीजें जिनसे आपके शरीर में वात बढ़ता है, जैसे कि राजमा या फिर काली दाल, उड़द की दाल या फिर व्हाइट चने, ये तीनों चीजें जो हैं वात रोग को आपके शरीर में बढ़ाती हैं, तो इनको अवॉइड कीजिए। और अगर खाना भी है तो दिन के टाइम खाइए, रात को बिल्कुल नहीं खाइए। दूसरी चीज, जिन लोगों को अर्थराइटिस है या फिर बहुत ही ज्यादा पेन है जोड़ों में, खट्टी चीजें भी अवॉइड करें, जैसे कि लेमन, जैसे कि कर्ड। कर्ड अगर आप ले रहे हैं तो उसमें अलसी का पाउडर मिला करके खाएं, तो कर्ड बिल्कुल भी आपके शरीर को नुकसान नहीं देगी। इसी तरीके से राइस, अगर आप व्हाइट राइस ले रहे हैं तो उसमें खूब सारे वेजिटेबल्स डालें और काली मिर्च और लौंग जरूर डालें, इससे आपके शरीर में वात रोग नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है अगर आपको जॉइंट्स की प्रॉब्लम है। अब बात करती हूँ उस संधि मुद्रा के बारे में जो कि बहुत बहुत हेल्पफुल है जॉइंट पेन को दूर करने के लिए, तो उसे भी आप जरूर बनाइए। दिन में 15 मिनट का टाइम आपको देना है, आप टीवी देख रहे हैं, गपशप मार रहे हैं, बस वो मुद्रा बना करके बैठ जाइए, और वो मुद्रा आपके शरीर में वात तत्व को बैलेंस करेगी, आपके जॉइंट्स हेल्थ को सुधारेगी, जॉइंट्स की स्टिफनेस को दूर करेगी और साथ ही साथ आपके शरीर को भी एनर्जी से भर देगी। तो चलिए बताती हूँ संधि मुद्रा कैसे बनानी है। संधि मुद्रा बनाने के लिए आपको अपने राइट हैंड में अपने थंब की टिप को अपनी रिंग फिंगर की टिप से टच करना है, इस तरीके से ये, और लेफ्ट हैंड में आपको अपनी थंब की टिप को अपनी मिडिल फिंगर की टिप से टच करना है। ये होती है संधि मुद्रा, ठीक है? संधि मुद्रा यानी जॉइंट मुद्रा, और ये सभी जॉइंट्स की हेल्थ को सुधारती है, चाहे वो कमर का हो, कंधे का हो, घुटने का हो, एड़ी का हो, एल्बो का हो, राइट? किसी भी जॉइंट में प्रॉब्लम है या आपको गुम चोट लगी हुई है या आपको सूजन है या आपको पेन होता है या आपको स्प्रेन आया है, ये संधि मुद्रा बनाइए। ऐसे करके आप अपने लैप पर रख लीजिए, चौकड़ी मारकर बैठ जाइए, इस तरह से ऊपर आकाश की तरफ होना चाहिए आपका हाथ, और ये जो बाकी की फिंगर्स है ये जितनी स्ट्रेट आप रख सकते हैं रखने की कोशिश करें, और ये मुद्रा बनाएं 15 मिनट के लिए। आप फर्स्ट डे से ही आप देखोगे कि आपको बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, तो बहुत अच्छी है ये मुद्रा, आपकी सभी जॉइंट्स पर काम करती है, राइट? तो संजना, आई थिंक आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। तो इस तरीके से आप नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा की हेल्प से अपनी जॉइंट्स की हेल्थ को सुधार सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा, और वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है देन प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे इसी से मिलती है ढेर सारी मोटिवेशन आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस लाने की। और अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस चैनल को, मेरी फैमिली का हिस्सा बनिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और सब्सक्राइब करें तो ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। ये था मेरा आज का वीडियो, कल मिलूंगी आपसे एक अमेजिंग से वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, खुशियां बांटिएगा। बाय बाय।